गरीब और अमीर का दिवाली पर लक्ष्मी पूजन। अरे दोस्तों देखो, मेरी मम्मी ने खास दिवाली के लिए मुझे ये गिफ्ट दिया है। अभी तो मेरे और भी गिफ्ट्स आएंगे। ये देखो मेरी नई साइकिल, अच्छी है ना? यार तेरी साइकिल बहुत अच्छी है, क्या हम भी इस पर बैठ सकते हैं? वैसे तो मैं किसी को नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें एक बार जुला सकता हूँ। अरे वाह के, मुझे तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी लगी, मुझे भी एक बार बैठने दे। मैंने आज से पहले कभी साइकिल नहीं चलाई। तूने आज से पहले चलाई नहीं और मेरी साइकिल पर बैठकर गिरा दी तो मेरी तो नई साइकिल खराब हो जाएगी ना, और तू इतनी गरीब है कि इसको ठीक भी नहीं करवा पाएगी। नहीं, मैं तुझे अपनी साइकिल नहीं दूंगा। अखिल मुझे एक बार चलाने दे, मैं तेरी साइकिल नहीं तोड़ूंगी। तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? चल ही जा यहाँ से। अखिल जूही को धक्का दे देता है, जिससे रोकर जूही घर चली जाती है और उसकी माँ आस्था कहती है, अरे बेटा तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? देख पैर में लग गई। माँ अखिल ने ना वो नई साइकिल लेकर आया और बहुत चिढ़ा रहा था। मैंने उससे प्यार से बोला कि मुझे भी एक बार साइकिल चलाने दे, तो उसने मुझे धक्का मार दिया और मेरे लग गई। माँ दिवाली आ रही है, मुझे भी गिफ्ट चाहिए, मुझे भी साइकिल और नए कपड़े चाहिए। मुझे दिलाओगी ना माँ? और पटाखे भी। जूही बेटी, वो उसकी साइकिल है ना, तू जाती ही क्यों है उन बच्चों के पास खेलने? अगर सच में टूट जाती तो हम पैसे नहीं दे पाते। तू जानती है ना पिताजी का काम कैसे चल रहा है, कल धनतेरस है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ जी, कल के दिन कुछ ना कुछ हमें खरीदना होता है और कल सोना चांदी नया सामान चाहिए, पर हमारी तो कुछ नया सामान खरीदने की हैसियत ही नहीं है। बहू तो परेशान मत हो, देखते हैं कल क्या हो सकता है। बहू मेरे पास 200 रुपए पड़े हैं, तो उसका स्टील का बर्तन खरीद लेना शगुन हो जाएगा। नहीं बापूजी, मैं आपके दवाई के पैसे कैसे ले सकती हूँ, आपको मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कुछ और इंतजाम करूंगी बापूजी। क्या पता आज दीपक जी कुछ पैसे ले आए। तभी दीपक हताश होकर बैठ जाता है। अजी आप आ गए, ये लीजिए पानी। अच्छा आज आपने कोई मजदूरी की, कुछ पैसे मिले क्या? आप जानते हैं कल धनतेरस है और अगले दिन दिवाली के लिए भी घी तेल दिए पूजा का सामान और जूही भी पटाखे मांगेगी। अरे भाग्यवान, अभी बस में आकर बैठा हूँ और तुमने घर की सारी जरूरतों का बोझ मुझे बता दिया। मैं जानता हूँ घर में त्योहार है, जूही को भी पटाखे चाहिए। इतना ही नहीं, सब पकवान खाने का भी शौक रखते हैं, पर मेरे मालिक ने आज सबको छुट्टी दे दी, कोई काम नहीं करवाया। उसी के लिए मैं भटकता रहा पूरे दिन। अब दिवाली के 2 दिन पहले न तो कोई काम देगा ना ही उधार पैसे। हम गरीबों के साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है। बेटा क्या पता लक्ष्मी माता हमारा इम्तिहान ले रही हो। हाँ बेटा तू ज्यादा परेशान मत हो, क्या पता कल तक कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए, तू हार मत मानियो। हाँ मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी, आइए मैं खाना लगा देती हूँ। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। दरअसल गायत्री का परिवार कुछ महीनों से गरीबी से गुजर रहा था, बेटे का काम ठीक से चल नहीं रहा था। कुछ वक्त से वह सूखी रोटी खा रहे थे, इसलिए बेहतरीन दिवाली मनाने की आशा लिए बैठे थे। अगले दिन धनतेरस की सुबह आस्था अपने घर की बाहर सफाई कर रही थी, तभी अमीर पड़ोसन बिपाशा कहती है, ओहो तो सफाई चल रही है आस्था? मेरे नौकरों ने तो कल ही सफाई कर दी थी और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो चली रही है। अगर तुम पर टाइम है तो तुम आकर कर सकती हो। नहीं बिपाशा बहन, मुझे अपने घर पर और भी काम है तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा वैसे तुम दिवाली पर अपने लिए सोने का हार, नई साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, तोहफे, मिठाई, पटाखे लाई हो क्या? आज शाम को मैं सब ले आऊंगी। और अभी हमारे घर पर एक नई कार आने वाली है, आज धनतेरस है ना, मेरे पति अभी आते ही होंगे। अरे लो आ गए। तभी बिपाशा का पति गौरव ब्रांड न्यू कार लेकर अपने बंगले के आगे खड़ी करता है। फिर उसके घर वाले आकर देखते हैं। अखिल गाड़ी में बैठ जाता है और गरीब आस्था के घर वाले भी देखते रहते हैं। अरे मोरी मैया कितनी बड़ी गाड़ी है ये। ये पापा नई गाड़ी लाए, पापा नई गाड़ी लाए, पीपी पीपी। अच्छी है ना मेरी कार बेटा। बिपाशा पूजा कर दो, तो मेरे घर की लक्ष्मी जो हो, उसके बाद हम सब एक राइड लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल गौरव, देख रही हो ना आस्था, माता जी देखिए मेरे पति 40 लाख की नई कार लाए हैं और इसमें हमारा पूरा परिवार बैठ सकता है। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है।
अच्छी बात तो है ही, तुम गरीब लोगों ने कभी इतनी बड़ी कार देखी भी नहीं होगी, आंखें ही सेक लो। मोहिनी किसी की गरीबी पर ऐसे हंसते नहीं है। शायद आज हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम ऐसे कर रही हो, पर अगर हम पर पैसे होते तब भी हम ऐसे तुम्हें नीचा नहीं दिखाते। और भगवान की दुआ से हमारी तो दिवाली अच्छी मन जाएगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम जो कर रही हो वो पैसे का दिखावा है। हाँ, कम से कम दिखावा तो कर रही हूँ क्योंकि पैसे हैं, तुम तो वो भी नहीं कर सकती। बहू पूजा कर दे, तिलक लगा दे। सास की बात सुनकर बिपाशा अपनी नई कार की पूजा कर देती है, जिसके बाद अमीर परिवार उस कार में घूम कर आता है। ये देख जूही और गायत्री का मन विचलित हो जाता है। वहीं एक तरफ दीपक काम के चक्कर में भटक कर फिर वापस आ जाता है। और शाम को धनतेरस पूजा करने के लिए आस्था 50 रुपए का चम्मच कटोरी पूजा में रख कर धनतेरस की पूजा कर लेती है। बेचारी आस्था इतनी गरीब होती है कि आटे के दिए बनाकर ही चौखट पर दिया रख देती है। अगले दिन दिवाली का दिन था, घर में कोई पैसे नहीं थे, तभी बिपाशा आकर कहती है, अरे आस्था देखो, धूल मिट्टी का काम तो मेरे बस की बात है नहीं और मेरे सारे नौकर चले गए। दरअसल स्टोर रूम की सफाई रह गई थी, वहाँ बहुत फालतू का भंगार पड़ा है, आंगन भी साफ नहीं है, तो तुम सफाई कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। करोगी या मैं किसी और को बुलाऊं? वैसे भी तुम गरीब हो। मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, अगर मुझे ये काम करके थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी बेटी के लिए शाम को पटाखे और मिठाई ले आऊंगी। बिपाशा मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर बिपाशा उसके स्टोर रूम और आंगन की सफाई करने को आस्था को कहती है। उसका बेटा फुटबॉल से आंगन में खेल रहा था कि अखिल को आंगन में लगी लाइट से करंट लग जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अपने बच्चों की आवाज सुनकर बिपाशा भागती हुई आती है। हे भगवान, हे मेरे बेटे को क्या हो गया, कोई आओ। गौरव, माँ जी, आस्था, देखो ना मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गया है। अखिल बेटा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, हमें तुरंत इसके हाथ पैर सहलाने होंगे, हम इंतजार नहीं कर सकते हॉस्पिटल ले जाने का। बिपाशा बहन तुम एक कंबल लेकर आओ। हाँ हाँ। आशा सोफे पर बच्चे को ले जाकर लेटा देती है, उसके हाथ पांव को सहलाती रहती है, फिर कंबल से बच्चे को ढक देती है। इतने में बच्चे का गिरा हुआ शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है और डॉक्टर आकर बच्चे की जांच करता है। चिंता मत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो तो शुक्र है इन्होंने तुरंत करंट लगने के बाद ही उपचार कर दिया, वरना शरीर नीला पड़ जाता। आस्था तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरी जान बचाई है, वरना मैं तो इसके बगैर जी नहीं पाती। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करती रही, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आ गया कि अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, और मैं अपने अमीर घमंड के चलते तुम्हें बार बार जलील करती रही, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे बिपाशा ऐसे रो नहीं, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के बराबर ही है, मेरे बच्चे जैसा है, मैं उसे कुछ कैसे होने दे सकती हूँ। हाँ, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सब चीज अमीर और गरीब से परे होती है। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है, इसीलिए ये दिवाली का उपहार हमारी तरफ से, कृपा करके इसे मना मत कीजिएगा। ये कुछ बम पटाखे तोहफे और ये 30,000 रुपए है। ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं है, ये रख लो, हैप्पी दिवाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम एक साथ लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह गरीब आस्था की अच्छाई उसके काम आती है। बिपाशा और आस्था के बीच से अमीर और गरीब की दीवार हट जाती है। वहीं लिए हुए तोहफे आस्था अपने परिवार वालों को देती है, फिर अमीर और गरीब परिवार एक साथ लक्ष्मी पूजा करके बम पटाखे जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहां से लेकर आया है तू इस लड़की को? जहां से भी लेकर आया है इसको वापस से वहीं छोड़ा। नहीं माँ, ये लड़की अब से मेरी पत्नी है और आपकी बहू। अगर आप इसको इस घर में स्वीकारने से मना करती हो तो मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगा। ऐसा कहने के बाद वह मीशा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। रुक जा बेटा, अपनी माँ को तू ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है? तुझे पता है ना तेरी माँ तेरे बिना नहीं रह सकती। माँ आप भी समझो, मैं भी आपके और मीशा के बीच में नहीं रह सकता। तभी कल्याणी की बेटी कहती है, माँ कोई बात नहीं, मेरे भैया के लिए आप इतना तो कर ही सकती हो, आखिर मयंक भैया आपके बेटे हैं। औलाद के सामने तो अच्छा अच्छा झुक जाता है,
मैं क्या मायने रखती हूँ। हाँ बेटा, ले आ अपनी पत्नी को इस घर में। कल्याणी के कहने पर मयंक मीशा को घर में ले आता है, जिसके बाद वह उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जो हुआ उसे अब भूल जाओ और यहाँ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मयंक का बर्ताव बहुत अच्छा था, जिसके चलते मीशा बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों में उसने घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। लेकिन कल्याणी के लिए वह घर में केवल एक अनजान लड़की थी, जिससे वह अपने घर के सारे काम करवा सके। कहीं पर धूल मिट्टी तो कहीं पर गंदगी, इस घर में तो कोई साफ सफाई होती ही नहीं। नहीं माँ जी, मैंने सुबह ही सारी डस्टिंग की है। कोई फायदा नहीं ऐसे काम करके, और दोबारा करो साफ सफाई। तुम्हें पता है ना दिवाली पास आ रही है। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे, घर की साफ सफाई अच्छे से करो। मैं अपनी बेटी के साथ दिवाली की शॉपिंग पे जा रही हूँ, आने से पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। ठीक है माँ जी, बस आप मेरे लिए भी एक साड़ी ले आना, मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है, सब पुराने कपड़े हैं। कल्याणी ये सुनते ही मुंह बना लेती है और बिना जवाब दिए ही अपनी बेटी के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद मीशा सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर सारे कपड़े और पर्दे भी धो देती है। घर का फर्श वह शीशे की तरह चमका देती है। सारे काम हो गए, अब माँ जी खुश हो जाएंगी। कल्याणी जब घर लौटती है तो उसके और उसकी बेटी के हाथों में कई सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं, जिन्हें देखकर मीशा भी बहुत खुश होती है। लेकिन दोनों माँ बेटी घर में आने के बाद उन शॉपिंग बैग से सिर्फ अपने लिए ही सामान निकालती हैं। अरे वाह, ये साड़ी तो सच में कमाल की है, दिवाली पर इसको पहनकर मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तभी मीशा आकर कहती है, माँ जी आप मेरे लिए साड़ी नहीं लेकर आई। नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे थे। बाहर में मेरी बेटी रिहाना को कई सारे कपड़े पसंद आ गए थे, अब मैं उसकी इच्छाओं को मार तो नहीं सकती थी ना, आखिर इकलौती बेटी है मेरी। अच्छा कोई बात नहीं माँ जी। अच्छा सुनो, एक काम करो, हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ और उसके बाद रिहाना के पैर दबा देना, मेरी प्यारी बेटी बहुत थक गई है। माँ जी जैसा आप कहें, मैं बस अभी आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ऐसा कहने के बाद बेचारी मीशा रसोई में जाती है और अपनी सास नंद के लिए चाय बनाकर लाती है। कई बातों का मीशा को बुरा लगने पर भी वह अपनी सास से कुछ कहती नहीं। वहीं कल्याणी शुरू से ही अपनी बेटी और बहू में काफी भेदभाव करती है। जैसे ही दिवाली आने में एक दिन बचा होता है, कल्याणी अपनी बहू से कहती है, अरे मीशा मेरी बात सुनो जरा, जिन्हें मैंने घर डेकोरेट करने के लिए बोला था वो आने से अब मना कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे घर को तुम्हें सजाना होगा, क्योंकि घर पर दिवाली सेलिब्रेशन फंक्शन है। मीशा के लिए घर को सजाना बहुत बड़ी बात थी। वह अपनी सास की बात सुनने के बाद घर को सजाना शुरू कर देती है। उसे दिवाली से एक दिन पहले घर सजाते सजाते रात हो जाती है और आधी रात को जब वह थक जाती है तो अपने कमरे में रेस्ट करने जाती है। अरे लगता है तुम थक गई हो, तुम्हें तो काम करने की जरा भी आदत नहीं थी, और यहाँ आने के बाद तुम कितने काम कर रही हो। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने मेरी माँ से ये बात छुपाने के लिए क्यों मना किया कि तुम कोई गरीब नहीं बल्कि इस शहर के सबसे अमीर बाप की बेटी हो। क्योंकि मैं यहाँ अपने ससुराल में खुद की एक इमेज बनाना चाहती हूँ, अपने बलबूते पर। ठीक है जैसा तुम कहो, आओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। रात में मयंक अपनी बीवी के पैर दबा देता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, मीशा जल्दी उठ जाती है और रंगोली बनाना शुरू कर देती है। वह बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। ये रंगोली तो मेरी आज तक की सबसे खूबसूरत रंगोली होगी। थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है, मीशा दिवाली वाले दिन उसे पूरी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मीशा सभी मेहमानों के लिए खुद अपने हाथों का खाना बनाती है। शाम होते होते घर पर सारे मेहमान आ जाते हैं और घर की सजावट देख कल्याणी से बहुत तारीफ करते हैं। कल्याणी बहन, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं लग रहा, इतनी मेहनत आखिर किसने की है। लो जी कर लो बात, अब कौन ही करेगा मेहनत, मेरी बेटी रिहाना के अलावा, उसने एक एक छोटी चीज खुद अपने हाथों से सजाई है। मेरी बेटी रिहाना बहुत मेहनती है। अच्छा तुम्हारी बेटी को कोई देख के कह नहीं सकता कि वो इतनी टैलेंटेड भी है। वैसे वाकई तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और वो वाली रंगोली तो क्या बताओ, बहुत गजब बनाई है बनाने वाले ने। अच्छा वो बाली, अरे वो भी मेरी बेटी ने बनाई है, मेरी रिहाना है ही इतनी समझदार इंटेलिजेंट।
ये सारी बातें मीशा दूर खड़ी सबको कोल्ड ड्रिंक देते हुए सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। दिवाली पर मैंने दिए जलाकर रंगोली बनाकर घर को इतनी मेहनत से सजाया, लेकिन माँ जी ने एक बार भी झूठे मुंह ये नहीं कहा कि मेरी बहू ने ये सजाया है, बल्कि मेरी नंद ने किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया और सारा क्रेडिट माँ जी ने उसको दे दिया। दिवाली के लिए अपनी बेटी को नए नए और अच्छे कपड़े दिए, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी तक नहीं लाई। मीशा खुद से ऐसा कहते हुए रो रही होती है, वहीं अचानक से दिए की बत्ती से पर्दे में आग लग जाती है। आग एकदम से ही सब जगह फैलने लगती है, चारों तरफ हॉल में भगदड़ मच जाती है। सभी मेहमान घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन धुएं की वजह से कल्याणी को सांस नहीं आ रही थी। वह बेहोश होकर गिर जाती है, तभी उसको उसकी बेटी नजर आती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मुझे भी बचाओ और यहाँ से बाहर निकालो। अरे पागल हो गई हो क्या माँ? आपने तो अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जी ली, लेकिन मेरा क्या? अगर इस आग से मैं जरा भी जल गई तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। ना बाबा ना, मैं आपको नहीं बचा पाऊंगी। ऐसा कहने के बाद रिहाना हॉल से बाहर निकल आती है, जिसके बाद मीशा को रसोई में धुएं की स्मेल आती है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? जैसे ही मीशा रसोई से बाहर निकलती है, चारों तरफ हॉल में आग लगी होती है और वहां बीचों बीच उसकी सास कल्याणी बेहोश पड़ी होती है। अरे माँ जी, ये सब कैसे हुआ? माँ जी होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगी। मीशा अपनी सास को सहारा लगा के उठा लेती है, जिसके बाद वह उसे घर से बाहर निकालने लगती है। वो दोनों घर से बाहर आते हैं ही कि तभी एक जलती हुई लकड़ी उनके ऊपर गिरने वाली होती है। मीशा उस समय अपनी सास को खुद से दूर करने के लिए धक्का दे देती है, जिसके चलते जलती हुई लकड़ी मीशा के ऊपर गिर जाती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई इस बेचारी को बचाओ। तभी सही वक्त पर मयंक आ जाता है और वह मीशा को जलने से बचाता है, लेकिन मीशा कई जगह से जल चुकी थी। मयंक मीशा और कल्याणी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जैसे ही कल्याणी को होश आता है, मयंक उसे मीशा के बारे में सब सच बताता है और ये भी बताता है कि उसकी जिंदगी मीशा की देन है। मैंने उस बेचारी के ऊपर इतने अत्याचार किए, फिर भी उसने मेरी जान बचाई, मुझे उससे माफी मांगनी है। कल्याणी जब मीशा के पास जाती है तो उसका आधा जला हुआ शरीर देखकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी खुद की बेटी ने एक बार भी मेरी जान के बारे में नहीं सोचा और तुमने पराई होकर भी मेरी जान बचाई, जबकि मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकारा नहीं। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से तू मेरी बहू और मैं ये भेदभाव कभी नहीं करूंगी। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हो। कल्याणी ये सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह मीशा के ठीक होने का इंतजार करती है और उसके घर वापस लौटने की खुशी में वो सब फिर से एक बार दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। गरीब और अमीर गर्भवती बहू। संगीता के दो बेटे थे, शौर्य और पुनीत। कुछ सालों पहले उसने अपने बेटे शौर्य की शादी एक गांव की लड़की से की थी, जहां दहेज में उसे फूटी कौड़ी नहीं मिली थी क्योंकि वो गरीब घर से थी। लेकिन फिर उसने अपने छोटे बेटे की शादी अमीर घराने में लड़की से कराई, जहां दहेज में अनगिनत चीजें आई थी। उसी कारण संगीता अपनी छोटी बहू राधिका को बहुत प्यार करती थी। दोनों बहू अपने गर्भवती दौर से गुजर रही थी, तभी एक सुबह संगीता अपनी बहू के लिए जूस लेकर जाती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू उठ, ये ले जूस पी ले, तेरे और तेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया माँ जी, पर इसके साथ आपने ड्राई फ्रूट नहीं मंगाए, मुझे वो भी खाने थे। अरे बहू तू चिंता मत कर, मैं अभी उस अमृता को बुलाती हूँ। अरे ओ अमृता, जाकर कमरे से ड्राई फ्रूट लेकर आ। उसकी आवाज लगाते ही बड़ी बहू अमृता ड्राई फ्रूट्स लेकर आती है। जी माँ जी, मैं ले आई। माँ जी मुझे जलेबी और रबड़ी खाने का मन कर रहा है, जरा जेठानी जी से मंगवा दीजिए। हाँ हाँ बहू बिल्कुल, मैं तुझे इधर से उधर कदम अपना रखने की भी जरूरत नहीं है, आखिर तू 4 महीने की गर्भवती है ना, ये मनुष्य है ना, ये जाकर ले आएगी। माँ जी मैं भी तो 4 महीने की गर्भवती हूँ, इतनी धूप में पैदल पैदल दूर तक कैसे जाऊंगी, आप ऑर्डर कर दीजिए ना, वैसे भी मुझे घबराहट हो रही है। ओहो, जैसे ही काम का क्या बता दिया, तुझे तो खड़े खड़े घबराहट होने लग गई। मैं क्यों ऑर्डर करूं, ऑर्डर में पता है कितना GST लगता है, चुपचाप खुद चलकर जा, वैसे भी ऐसे समय में चलना अच्छा होता है। मैं तो अपनी बहू को सुबह पार्क में ले जाती हूँ।
तू तो कहीं टहलने नहीं जाती ना, जा जल्दी से काम कर। जी माँ जी, मैं लेकर आती हूँ अभी। बेचारी परेशान अमृता इतनी पर भी धूप में जाकर दुकान दुकान भटक कर अपनी अमीर देवरानी के लिए रबड़ी जलेबी लेकर आती है, जिसे राधिका अकेले बड़े चाव से अमृता को चिढ़ा कर खाती है। अरे वाह वाह, मजा आ गया अपनी मनपसंद चीज खाकर। राधिका, मेरा भी एक खाने का मन कर रहा है, थोड़ा दे दो। दुकान पर और थे ही नहीं और ना ही माँ जी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। मैं तो आपका अपना हिस्सा क्यों दे दूं? हुँ? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए पैसे दिए थे, आपके लिए नहीं। और मैंने सारा खत्म कर लिया, आप जेठ जी से कुछ मंगा लीजिए। ये सुनने के बाद वो रसोई में गंदे बर्तन धोकर कहती है, मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ, मैंने शौर्य से कच्ची कैरी मंगवाई थी, वही खा लेती हूँ। अमृता ऐसा बोलकर कच्ची कैरी काट कर उस पर नमक मिर्च लगाती है। खाने जाती ही है कि बहुत देर से देख रही राधिका कहती है, अरे अमृता, लगता है माँ जी तुम्हें बुला रही है, मुझे आवाज आ रही है, जाकर देखो, शायद उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी सास के पास जाती है, जहाँ संगीता कहती है, आहा करमजली, जब मैं तुझे बुलाती हूँ तब तेरे पांव टूट जाते हैं, तुझसे आया नहीं जाता, और अब मैंने कुछ कहा नहीं बोला नहीं तो तू बिना बोले ही यहाँ आ गई। चल निकल यहाँ से मनहूस शक्ल, अपनी बिल्कुल भी शक्ल मत दिखा मुझे। जी माँ जी। इतना बोलकर अमृता वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी और बड़ी चालाकी से राधिका वो सारी कच्ची कैरी खा जाती है। आहा, मजा आ गया ये चटपटी कच्ची कैरी खाकर। अरे राधिका, तुमने तो मेरी अभी अभी जलेबी रबड़ी भी खाई थी, फिर मेरी कच्ची कैरी क्यों खा ली? इतनी जल्दी कुछ भी मत खाओ। अच्छा, मैंने वो खा लिया इसलिए आप सुना रही हैं मुझे। मैंने कच्ची कैरी देखी, मेरा मन ललचाया, इसलिए मैंने खा ली। पर तुम गरीब हो, गरीब हरकतें तो दिखाओगी ही। ऐसी कोई बात नहीं है राधिका। मुंह फुलाकर राधिका वहां से चले जाती है। अगले दिन राधिका के अमीर पीहर के ढेर सारे बच्चे के कपड़े, खाना और बच्चे के सोने चांदी की चीजें लेकर आते हैं। ये देखकर संगीता गरीब बहू को सुनाने लगती है, देख ले फटीचर, देख ले तेरी अमीर देवरानी के घर से कितना सामान आया है, उसके बच्चे के लिए, मेरे लिए, उसके खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, और तेरे घर से एक फूटी कौड़ी नहीं आई। यही फर्क है तुझ में और उसमें। माँ जी, मेरे पीहर वाले अमीर होते तो वो भी ये सब जरूर सामान भिजवाते, लेकिन आप जानती हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, फिर भी आप मुझे ये सब क्यों कहती रहती हैं? मेरे पीहर से थोड़ा बहुत सामान आता उसके लिए भी आप मुझे खरी खोटी सुनाती हैं। इसीलिए मैंने माँ को मना कर दिया था, वो बच्चे के होने के बाद ही देंगी। माँ जी, आप भी किस गरीब जेठानी से ये सब बातें कर रही हैं? जाने दीजिए, गरीब की चादर जितनी होगी उतने ही तो पैर पसार लेंगे। बिल्कुल सही बोला तुम मेरी प्यारी बहू, बहुत अच्छी हो। ओए गरीब बहू, जाकर मेरी बहू के लिए केसर वाला दूध लेकर आ, उसका दवाई खाने का टाइम हो गया है, फिर मैं उसे पार्क में भी लेकर जाऊंगी। माँ जी, मैं भी पार्क चलूं? तुझे क्यों जाना है, घर के इतने सारे काम पड़े हैं, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, खाना बनाना है, जाकर वो सब कर। जी माँ जी। ये बोलकर अमृता राधिका के लिए केसर का दूध बनाकर उसे दे देती है। संगीता अपनी बड़ी बहू को हमेशा गरीबी का ताना देती है, उसे अच्छे फल फ्रूट नहीं खाने देती, ना ही उसे घुमाने ले जाती है, ना ही उसे पार्क में ले जाती है, बेचारी हमेशा घर के काम करती है। वहीं संगीता अमीर बहू को मूवी दिखाने ले जाती है, उसका मनपसंद खाना उसे खिलाती है। वक्त गुजरता है, दोनों बहू का नवा महीना चल रहा था। एक दिन संगीता अपनी अमीर बहू का चेकअप कराने जा रही थी क्योंकि उसके दर्द हो रहा था, तभी अमृता कहती है, माँ जी मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं भी हॉस्पिटल चलूं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए? नहीं नहीं, तुझे जाने की क्या जरूरत है, तेरे लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ना तेरे माँ बाप ने भिजवाए हैं, मेरे पास बहू के पीहर के पैसे हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही है, तुझे जाना है तो सरकारी अस्पताल में चली जा। ठीक है माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, पर कम से कम आप नाम तो बता दीजिए कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही है। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है कुंद्रा, बहुत नाम है उसका, वहीं जा रही हूँ मैं। क्या राधिका, वहाँ मत जाओ, मेरी फ्रेंड की वहीं डिलीवरी हुई थी, वहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से डॉक्टर भी नहीं है, वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कभी बच्चे की जान चली जाती है, कभी माँ की। मत जाओ तुम।
छी माँ जी, कितनी घिनौनी है जेठानी जी जो मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोलना चाह रही हैं। मुझे दर्द हो रहा है माँ जी, जल्दी हॉस्पिटल चलिए। हाँ बहू चल। इतना कहकर संगीता अपनी अमीर बहू को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है। वही अमृता अपने पति शौर्य को घर बुलाती है कि उसके सामने पायदान से पैर फिसल जाता है और उसके दर्द होने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे और अमृता को सही सलामत रखना। शौर्य जी, यहाँ पास में सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं चलिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बेबी आने वाला है। हाँ हाँ चलता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता माँ तुम्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ सकती हैं। तभी शौर्य फौरन अमृता को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ डॉक्टर बड़ी सावधानी के साथ उसकी नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर राधिका का ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर कर देते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, माता जी हमें खेद है कि आपकी बहू और बच्चे में से हम बहू को ही बचा पाए, बच्चे को नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी बहू का पूरा ख्याल रखा है, मेरी बड़ी बहू ने ठीक कहा था। तुम फ्रॉड हो, तुमने जानबूझकर मेरे घर के चिराग को मार दिया। तमीज में रहकर बोलिए और ले जाइए अपनी बहू को यहाँ से। हमने नहीं कहा था हमारे हॉस्पिटल में आइए, आपकी बहू की कंडीशन भी ज्यादा खास नहीं थी, पैसे जमा करा दीजिए। संगीता अपनी बहू राधिका को ये बात बताती है तो वो टूट जाती है और नाजुक हालत में उसे घर ले जाती है। तभी शौर्य अपने बच्चे और पत्नी को लेकर घर आता है। माँ देखिए, आपका पोता हुआ है। राधिका को क्या हुआ है, लड़का या लड़की? बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी, वो हॉस्पिटल और डॉक्टर सच में ही फ्रॉड थे, उन्होंने हमारे होने वाले पोते को मार दिया और सारा इल्जाम राधिका की कंडीशन पर डाल दिया, ऑपरेशन के 3-4 लाख ले लिया वो अलग। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, हमेशा घमंड में रही, पैसों का रौब दिखाया। राधिका परेशान मत हो तुम, उन फ्रॉड डॉक्टर को हम जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे, और तब तक तुम मेरी बच्ची को खिलाना, आखिर मेरा बेटा भी तुम्हारा ही है। शुक्रिया जेठानी जी। इसके बाद देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और उस फ्रॉड डॉक्टर को पुलिस के हवाले करवाती हैं। बीते वक्त के साथ राधिका अमृता के बच्चे के साथ खेलती है और कुछ महीनों बाद वो फिर से गर्भवती हो जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।